देखो, ये राखी सावंत तो है, चर्चा का विषय है। जहाँ भी जाती है वहाँ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करती है अपने हिसाब से। और बिल्कुल, वो चंडीगढ़ आई थी, पंचकुला, पंचकुला में पहला जो इवेंट हुआ था हमारा, और वहाँ पर उसको चोट लगी थी। उसके बाद हमने अम्बाड़ा कैंट करा था, और करनाल किया था, नंगड़ में किया था पंजाब, और जो अभी हम 2 तारीख को मार्च में वो हम लुधियाना करा रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल संधु नगर। देखो, इस चीज को मेरे हिसाब से ज्यादा आप लोग, जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग उस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई जो राखी सावंत है, ये मतलब चर्चा पे क्यों रहती है, ये मतलब एक स्टंट है या रियल है। क्योंकि आप जैसे बोलते हैं ना कि पत्रकार लोग है वो बाल का खाल निकालते हैं, तो मेरे से ज्यादा नॉलेज आपको है। और क्योंकि क्यों चर्चा पे क्यों रहती है वो, और हमने बिल्कुल, मैं इतना जितना मेरे को पता है कि भाई वो वहाँ पर उसको चोट लगी थी, और उसके बाद हमारे जो कंपटीशन है वो हुए थे अम्बाड़ा सिटी और करनाल में, और पंजाब में हुआ था नंगल में। बिल्कुल मेरे को 18 नंबर शूज आते हैं, और मैं अमेजोन पे बाय करता हूँ। क्योंकि अमेजोन पे जो फॉरेन पे जो बास्केटबॉल प्लेयर है उनके बहुत बड़े 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 शूज होते हैं, तो वहाँ पर अमेजोन पे बाय करता हूँ मैं। बाकी जो कपड़े हैं मैं स्पेशल सिलाता हूँ, पेंट से अलावा मैं कुछ भी मतलब और डालता नहीं हूँ। जो भी मतलब एज पेंट है और रेडीमेड मिलेंगे, जो बाकी जो शर्ट टी शर्ट वो मैं खुद मैं बनाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि नशे छुड़ाओ केंद्र से ज़्यादा अच्छे केंद्र अगर स्पोर्ट्स के ये सेंटर बनाए जाए, ताकि नौबत ही नहीं आए। मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स, मैं ये नहीं बोलता कि रेसलिंग को सपोर्ट कर, मैं कहता हूँ कबड्डी खिलाओ, खो खो खिलाओ, हॉकी खिलाओ, बास्केटबॉल खिलाओ, कबड्डी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, उनको स्पोर्ट्स पे लगवाओ। भाई पंजाब पुलिस तो आपको मालूम ही है, पंजाब पुलिस तो हमेशा सुर्खियों पे रहते हैं, तो आपको पता ही है। पंजाब पुलिस पे ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं मैं करना चाहता, लेकिन क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, हर पासे पंजाब पुलिस सुर्खियों पे रहती है कि भाई नशा, कभी बोलते कि भेजने पे आते, कभी मतलब जब वो बोलते कि भाई नशा, जब अगर वो स्ट्रिक्ट होते तब भी मतलब बड़े सुर्खियों पे रहते हैं, तो उन पर टिप्पणी करने कोई सही नहीं है पंजाब पुलिस में। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई नशा नहीं करना चाहिए दोस्तों, स्पोर्ट्स करना चाहिए, इसी पे भला है, और प्रैक्टिकल करना चाहिए। मतलब ये नहीं बोलना कि बस मैंने बोल दिया आपने सुन लिया। मैं चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स करो, स्पोर्ट्स का नशा करो जो कभी उतरेगा नहीं। अगर कभी मैं पॉलिटिकल पार्टी पे जाऊँगा तो अपनी बनाएंगे, फिर मैं किसी के नहीं ज्वाइन करूँगा। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊँगा तो कभी मैं मतलब जो गलत काम करते हैं उसको मैं रोकूंगा, और जो बोलूंगा उसको पूरा करूंगा। मतलब ये नहीं कि मैं कि झूठ नहीं बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्टली रहूं। मतलब आई थिंक मतलब एक्चुअली जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा वायदा करते हैं, और मैं ये नहीं ब्लेम नहीं दूंगा कि भाई एक पार्टी है, हर पार्टी करती है ऐसा। मतलब तो उनकी एक मजबूरी है झूठ बोलना, मेरे को लगता है कि भाई सोचते कि उसने इतना झूठ बोला तो मैं उससे ज़्यादा झूठ बोलूँगा। तो मैं जो पब्लिक है उनको मतलब बताना चाहूँगा कि भाई मतलब बहुत एक सैड है कि उनकी बातों भी आते हैं, जैसे मतलब कोई भी मतलब कमेंटमेंट करते हैं, हम वो कर देंगे, वो करते कर देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है ना, जैसे मतलब अभी पीछे मतलब जैसे बोला ना कि किसानों का कर्जा माफ हुआ, तो लेकिन कर्जा आएगा कहाँ से? मतलब मैं बताना चाहूंगा किसानों का कर्जा माफ हुआ है, तो लेकिन जो माफ है मतलब उनने कोई अपनी कोठी बेची कोई किसी ने? मतलब भाई सरकार, हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, अगर मतलब अगर किसी ने माफ करना है तो अपनी कोठी बेचो, अपनी प्रॉपर्टी बेचो, तब उनको दो, गरीबों के भी तुम्हारा माफ किया। मतलब ये कौन सा माफ है? फिर तो मैं भी करूं, पहले सारे को लूटू मैं, फिर सारे का लूटू, फिर बोलू कि आपको मैंने माफ कर दिया। ये कौन सा माफ? जैसे एक बार बोलते हैं कि जो
एक मतलब बोलने लगा कि भी मतलब सारी जो भेड़े है कि भी वोट दो हमारे को, तुम्हारे को मैं कम्बल बांटूंगा। तो वो कम्बल आएंगे कहाँ से, एक ने क्वेश्चन किया भी वो कम्बल आएंगे कहाँ से, बिल्कुल जी, कि भाई ऊन तो उनसे कटनी है ना, तो बात ये है कि भी वो पैसा जो फ्री का वो आएंगे कहाँ से। तो मैं बताना चाहूंगा उनको कि भाई जो ये मतलब माफ कर दिया है, अगर तो वो अपनी मतलब प्रॉपर्टी बेचे ना, तब तो मैं मानू कि हाँ भाई वाकई उन्होंने माफ किया है, अदरवाइज तो मतलब जो हमारा जो टैक्स का पैसा है उसको दे रहे हैं। या तुम एक स्कीम निकालो कि भाई हर बंदे को हम 5-5 लाख रुपए देते हैं, मतलब तब तो मानी बात है। ये हर किसान मतलब हर बंदा जो भी कोई बिजनेस करता है, अब रिक्शे वाला बंदा है कोई, उसके पास ना तो जमीन है, चलाता रिक्शा है बेचारा, अगर ना भी उसको भी 5 लाख या 2 लाख जो भी बड़ा है पर जो भी दिया, तब तो इक्वल हुआ, मतलब उनके लिए तो कुछ नहीं है। जिनके पास मतलब 60-60, 70-70 एकड़ जमीन है, फिर ऊपर लोन लिया है, उनके लिए माफ किया तो क्या किया फिर। आज की मतलब इंटरव्यू यहाँ खत्म करिए, मैंने कंपटीशन करना है, नेक्स्ट टाइम पे हम मतलब इस पे आप डिस्कस करेंगे। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।